अच्छा ठीक है, मैं आकर मिलती हूँ। ओके बाय। क्या हुआ, किसका फोन था? मत पूछो, बदकिस्मती का जुर्माना है। किससे बात कर रही थी? सबसे बात करके देख ली मैंने, और बस एक ही बात साबित होती है कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती महे। और जितना ज्यादा तुम पर डिपेंड होती जाती हूँ, उतना ही डर मेरा बढ़ता जाता है। किस बात का डर? कहीं तुम मुझसे दूर न चले जाओ, कहीं कोई तुम्हें मुझसे छीन न ले। हा हा, कोई नहीं छीनेगा, कोई नहीं छीनेगा। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम किससे बात कर रही थी? भूल जा बहन। मेधा, ये तुम्हारे लिए, खास तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्या है? इट्स अ सरप्राइज, लेकिन इसे यहाँ मत खोलना, घर जाके पढ़ना। सॉरी ऋषभ, अगर कोई खुशी की वजह है तो मैं इस पर फौरन झपट पड़ती हूँ। अब उसे डिले करना मेरे बस की बात नहीं है। ओह कम ऑन मेधा, एक मिनट देखो, मेरी खातिर इसे घर जाकर पढ़ना और उसके बाद मुझे फोन पर अपना रिएक्शन सुनाना। नहीं, अब इतना इंतजार नहीं होगा, प्लीज। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये बताओ तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या होगा? इसमें मेरे नाम तुम्हारा एक प्यारा सा लव लेटर। चलो यही समझ लो। समझ लो नहीं, मैं समझने जा रही हूँ। मैं लेटर खोल रही हूँ ऋषभ। अरे क्या मेधा यार, इससे बेहतर तो ये होता कि इस लेटर को मैं तुम्हारे घर छोड़ के आता, ऑफिस से लौट कर इसे पढ़ती तुम। तुम इतना कॉन्शियस क्यों हो रहे हो? एक तो लव लेटर, और वो भी ऑफिशियल, बाकायदा टाइप करवा के दे रहे हो। इसकी जेरोक्स कॉपी और किस किस को भेजी है? किसी को नहीं, सिर्फ तुम्हें भेजी। वो क्या है कि तुम लॉयर हो ना, तो तुम्हें सब कुछ टाइप करके भेजना पड़ता है। वैसे ये भी कोर्ट नोटिस है, मेरे प्यार का इजहार। आई लव यू एंड यू। ये क्या है? हाँ मेरा मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने तुम्हें अपना परमानेंट लीगल एडवाइजर बनाने का फैसला किया है। हम आपको इनवाइट करते हैं, वकील साहिबा मेधा जी। बाकी डिसीजन आप पर है। ऋषभ, इसमें जो सैलरी का फिगर है ना, वो मिस टाइप हुआ है, या तो कोई क्लरिकल गलती है। ये सैलरी मैं नहीं ले सकती। क्यों, सैलरी कुछ कम है क्या? कम? ये मेरी नॉर्मल सैलरी से 3 गुना ज्यादा है। ये सैलरी मैं नहीं ले सकती। भाई कमाल है तुम्हारा, तुम पहली ऐसी औरत मिली हो जिसे ज्यादा सैलरी से एतराज है। लेकिन मैडम, यहाँ पर 1 महीना काम करने के बाद में आपको ये सैलरी भी कम लगेगी। 24 घंटे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बारे में सोचना पड़ेगा आपको। कुछ समझ में आ रही बात? क्या हुआ, कहीं ये ऑफर तुम मुझे उस डर से तो नहीं दे रहे हो कि मिस्टर सुनील वर्मा मुझे अपनी फर्म में पार्टनर बनाना चाहते हैं? अरे देखा, वंस अ लॉयर ऑलवेज अ लॉयर। मेधा जी, इस लेटर की एक और सिर्फ एक सीधी सच्ची वजह है, और वो ये है कि तुम, सिर्फ तुम इस पोस्ट के काबिल हो। अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ। I'm sorry, लेकिन मैं एक बहुत जरूरी काम से आई हूँ। आई नीड योर हेल्प। बोलो। कल रात से सोनू घर नहीं लौटा। घर से स्कूल गया लेकिन स्कूल से वापस नहीं आया, और भंडारी ने फिर मुझे फोन पर धमकी दी। हो सकता है कि सोनू और भंडारी के मामले का कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन शायद हो भी सकता है। तो यानी भंडारी ने शायद सोनू को किडनैप करवा दिया है। What? Oh my God. इंस्पेक्टर साहब, क्या आपकी ड्यूटी यहाँ पर बैठकर गुनाह की गिनती करना है, रजिस्टर में दर्ज करना है कि शहर में कितने केसेस हुए, बस और कुछ नहीं? नहीं, हमारी ड्यूटी तो ड्यूटी अरे आपकी ड्यूटी है सिर्फ बात करना और लोगों से वादे करना, यही सब तो सुनता आया हूं मैं आज तक। मैंने जितने केसेस आपके सुपुर्द किए थे, उनमें से एक को भी सॉल्व किया आपने? नहीं। भंडारी के खिलाफ जो केस मैंने आपको दिया था,
उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया आपने? नहीं। अरे साहब, मवाली और एंटी सोशल एलिमेंट्स दिन दहाड़े गुनाह करते फिरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप लोग कितने नाकाबिल हैं। जरा सा भी खौफ, जरा सा भी डर नहीं उन्हें। ऋषभ साहब, भंडारी के खिलाफ एक्शन? अरे आप कुछ नहीं करने वाले क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते। भंडारी ने इनके बेटे को किडनैप कर लिया और मैं बेवकूफ आपके पास आ गया रिपोर्ट दर्ज कराने। क्या भंडारी ने आपके बेटे को किडनैप कर लिया है? उसके धमकी भरे फोन सुना तो अब हमारी आदत बन चुकी है इंस्पेक्टर। वो हमें नुकसान पहुंचाने की लगातार धमकियां दे रहा था। अब सोनू का गायब हो जाना उसकी हरकत लग रही है। मैडम, लगने से क्या होता है? दुख में तो कोई भी आदमी। बस इंस्पेक्टर साहब, बहुत सुन लिया मैंने आपकी बातों को, बहुत प्रवचन सुन लिए मैंने आपके। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहिए, अपना आसन जमाए रखिए और हमारे जैसे अनगिनत लोगों को अपने प्रवचन सुनाते रहिए। चलो स्वेताना, ये तो खुद ही डरपोक हैं। भंडारी के खिलाफ एक्शन क्या खाक लेंगे? मुझे ही कुछ करना होगा। चलो। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच।